कितने अच्छे दिख रहे हैं ये कुलचों वाले छोले। थोड़े से छोले लूंगी, उस पर थोड़ी सी मूली रखेंगे। ये देखिए छोलों के साथ थोड़ी सी मूली, टमाटर, हरे मिर्च। मैं इसे ट्राई करने जा रही हूँ। सुपर यमी। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें कोई ऑयल नहीं है और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर्स हैं, और कुलचों के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे ऐसे ही चाट की तरह भी खा सकते हैं। सो प्लीज डू ट्राई दिस रेसिपी एंड शेयर योर फीडबैक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ स्ट्रीट स्टाइल छोले की रेसिपी शेयर करूंगी जो कुलचों के साथ सर्व किए जाते हैं, जिसमें ऑयल या घी नहीं यूज होता। ये जो छोले हैं ये सफेद मटर से बनाए जाते हैं और वो छोलों की तरह दिखते हैं। आप इन्हें सफेद चनों के साथ भी बना सकते हैं। ये रेसिपी आमतौर पर आपको दिल्ली NCR में और बहुत से नॉर्थ इंडिया के रोड साइड पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। मैंने इस तरह के सफेद मटर लिए हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप मटर लिए थे। 350 ग्राम मटर है जिनको कि मैंने पानी में पूरी रात भिगो करके रखा है। ये देखिए इस तरह से फूल जाएंगे ये भीगने के बाद। तो हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। आपको रेसिपी से रिलेटेड सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक भी मिल जाएगा। 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, ये भुने हुए जीरे का पाउडर है। धनिया लिया है हमने खूब सारा, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 10-12 काली मिर्च का पाउडर। साथ ही हमने यहाँ पर 1 कटोरी बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं, 1 कटोरी बारीक कटे हुए प्याज हैं, ये लगभग 2 टमाटर हैं, 2 प्याज हैं। साथ ही हमने इमली का पानी लिया है। मैंने यहाँ पर इमली को लेकर के इस तरह से पानी में भिगो लिया है और इसका पल्प हम निकाल लेंगे इसको हल्का सा मसल कर। नींबू का रस लिया है 2 बड़े चम्मच। गार्निशिंग के लिए मैंने ली है कद्दूकस की हुई मूली और 1 हरी मिर्च। इसमें 4 चीजें बहुत जरूरी हैं जिनका फ्लेवर आता है, भुना हुआ जीरे का पाउडर, चाट मसाला, साथ ही यहाँ पर जो काला नमक है उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और इमली का पानी। इनके बिना छोले कुलचे के छोले का स्वाद उतना अच्छा नहीं आता, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पर अब हम रेसिपी जल्दी से शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले मटर को यानी कि इन छोलों को उबलने के लिए रख देंगे। हमने एक प्रेशर कुकर लिया है और इसमें हम ये मटर जो है वो डाल देंगे। इसमें यहाँ पर लगभग 1 कप पानी है। इसमें अभी हमें लगभग 2 कप पानी और डालना है ताकि मटर जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाए। तो मैं इसमें 2 से 2.5 कप पानी और डाल दूंगी। तो इसमें कुल 3.5 कप पानी गया है। अगर थोड़ा सा पानी कम या ज्यादा हो तो आप ऐड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे ताकि जो मटर के छोले हैं इनमें स्वाद आ जाए अच्छे से नमक का। या तो आप इसे हाई फ्लेम पर 6 से 7 विसल लगा लें, अदरवाइज मैं इसे 2 विसल लगाऊंगी हाई फ्लेम पर। उसके बाद मैं गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर दूंगी और 5 मिनट के लिए इसे इसी तरह से पकने दूंगी। ज़्यादा देर नहीं पकाना हमें इसे। तो मैं गैस का लिड बंद और पहले ही इसे हाई फ्लेम पर 2 सीटी लगा लूंगी। देखिए इसमें 2 विसल आ चुकी हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसी तरह इसे पकने देंगे। और 5 मिनट के बाद हम कुकर को खोल कर देखेंगे कि जो छोले हैं वो तैयार हुए हैं या नहीं। ये ठंडा हो चुका है तो हम इसे खोल करके देख लेंगे। ये देखिए वाह, जो मटर वाले छोले हैं वो काफ़ी अच्छे से कुक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह के होने चाहिए ये, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से कुक्ड है। तो वैसे आपको जैसी कंसिस्टेंसी पसंद हो आप रख सकते हैं। तो हम इन्हें किसी बाउल में निकाल लेंगे और इनको रेडी कर लेंगे। तो हम इसमें 1/2 क्वांटिटी ले लेंगे मटर के छोले जो हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे सभी मसाले, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला। आप ये सभी क्वांटिटीज अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। कुटी हुई काले मिर्च, तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं, जितना आपको पसंद हो आप उतना कर सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, 1 बारीक प्याज कटा हुआ, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 छोटे चम्मच नींबू का रस,
चार से पांच बड़े चम्मच इमली का रस जो कि हमने इमली को भिगो करके बनाया था, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं सभी वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसे टेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है मसालों की, और सभी फ्लेवर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। कुलचों के लिए छोले रेडी हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में, तो अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये छोले जो हैं वो सर्व कर लिए हैं। इन पर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा टमाटर, साथ में रखेंगे एक हरे मिर्च, थोड़ा सा मूली का लच्छा, और इसी के साथ रखेंगे हम आधा कटा हुआ नींबू। और इसको कुलचों के साथ सर्व किया जाता है। मैं इसके बाद आपके साथ कुलचे की रेसिपी शेयर करूंगी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपीज विद खाना मनपसंद। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, बाय।